नमस्कार, आप देख रहे हैं फुल वॉल्यूम। मैं हूं वन्ना और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे वीकली एस्ट्रोलॉजी शो तकदीर में। मेहनत बड़ी या किस्मत, इसका जवाब शायद ही कोई दे पाएगा, लेकिन अगर किस्मत और मेहनत साथ हो जाए तो ये किसी भी इंसान की तकदीर बदल सकते हैं। तो देर किस बात की, आप मेहनत करते जाइए, आपकी तकदीर हम सवार देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस्मत का शो तकदीर, जहां हम आपको बताएंगे 12 राशियों का हाल और साथ ही वास्तु दोष के बारे में भी। इसके होने से जीवन में क्या क्या परेशानियां होती हैं, कैसे करें वास्तु दोष का निवारण, आज इन सब पर चर्चा करेंगे हमारे इस खास शो तकदीर में, जिसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बनारस के जाने माने वास्तुविद डॉक्टर सुनील त्रिपाठी जी। सीधे रुक करते हैं डॉक्टर साहब के पास। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो तकदीर में। थैंक यू। सर, सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, वास्तु क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, वास्तु के बारे में मैं बताना चाहूँगा वंदना। वास्तु ज्योतिष का ही एक अंग है, जिस ज्योतिष को हम बहुत समय पहले से जानते रहे हैं। वास्तु बीच में थोड़ा विलुप्त हुआ था, बट इसके बारे में आपको वेदों में, पुराणों में, हर जगह इसका संग्रह है और वास्तु के बारे में बताया गया है। वास्तु एक, आप इसको मॉडर्न भाषा में कह सकते हो कि इट्स वन टाइप ऑफ साइंस ऑफ लिविंग। आप कैसे एक्ट करते हो, कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो और कहाँ रहते हो। वास्तु का जो शाब्दिक अर्थ है, हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है, वसति इति वास्तु, यानी आप जहाँ बसते हो वास्तु है, जहाँ आप घर बनाते हो वही वास्तु है। वास्तु का उद्देश्य जो है, चूँकि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी और वेदों पुराणों में लिखा गया है ऐसा कि वास्तु पुरुष हमारे हर भूखंड में व्याप्त है, चाहे आपका एक छोटा सा कमरा हो या बहुत बड़ा हवेली हो, हर भूखंड में वास्तु पुरुष व्याप्त है। उसकी संरचना कुछ इस तरह से है, वो अधोमुख स्थिति में है। वास्तु पुरुष का जो शर है वो ईशान की तरफ है, जिसको मर्म स्थान कहा गया, इसीलिए लोग कहते हैं कि ईशान को हमेशा हल्का रखना चाहिए। वास्तु पुरुष का सर ईशान में है और पैर नैऋत्य की तरफ है, अधोमुख अवस्था में वास्तु पुरुष है। उसमें आप देखेंगे तो एक चतुष्षष्ठी चक्र देखा होगा आप लोगों ने, वास्तु का कभी कुछ इस तरह का मैप देखा होगा, तो उसमें 64 चक्र होते हैं, जिसमें अलग अलग 64 खाने होते हैं, जिसमें 45 देवी देवताओं का वास है। उन 64 खानों में देवी देवताओं का वास है, लेकिन कुछ देवी देवता जैसे ब्रह्म स्थान, बीच में चार खाने में बीच में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं तो उनका चार खाना, इसी तरह से कुल 45 देवी देवता उस चतुष्षष्ठी चक्र पर निवास करते हैं। तो हर भूखंड में उस 45 देवी देवता का, जो चतुष्षष्ठी चक्र पे हैं, हर भूखंड में उनका स्थान है और उस देवी देवता, उस उन अलौकिक शक्तियों को ध्यान में रखते हुए, जैसे जहाँ ब्रह्मा है, जहाँ इंद्र है, जहाँ कुबेर है, जहाँ अग्नि है, जहाँ वायु है, तो इन सभी देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार व्यवहार करना ही वास्तु का उद्देश्य है। अगर उनके हिसाब से आप घर का कंस्ट्रक्शन कराते हो, घर का साज सज्जा रखते हो और घर में जो भी कार्य करते हो, आप उन सभी देवी देवताओं को और वास्तु पुरुष के अंगों को ध्यान में रख के करते हो, तो आपको हमेशा ईश्वरीय सुफल प्राप्त होता है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी है कि शहर और मोहल्ले का चयन भी वास्तु के हिसाब से किया जाए, और अगर ऐसा है तो उसकी विधि क्या है? जी वंदना जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और चूंकि इस पे फोकस करना बहुत जरूरी था, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जी बिल्कुल। हमारे वहाँ एस्ट्रोलॉजी में भी यह है, वर्णित है, और वास्तु के जितने भी ग्रंथ हैं सब में काकड़ी विचार का एक, इसको काकड़ी विचार बोलते हैं। अच्छा। कि आप जब किसी भी मोहल्ले या शहर या गांव का चुनाव करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें वह जगह शूट करेगी कि नहीं करेगी। तो आपकी जो नाम राशि है, पहले मैं बता दूं कि राशि का विचार इसमें जरूर करेंगे कि, लेकिन नाम के हिसाब से करेंगे, ना कि कुंडली की जो आप चंद्र राशि देखते हो उसके हिसाब से नहीं। आपकी जैसे आप वंदना जी हैं तो वंदना जी का जो राशि है, है ना, तो नाम मैं सुनील हूं तो मेरी कुंभ राशि है, तो उसके अकॉर्डिंगली कुंभ के हिसाब से विचार करेंगे, नाम के हिसाब से विचार करेंगे। नाम राशि के हिसाब से पहला विचार होता है, उसका एक श्लोक भी है, यद्भंग द्वैकंग सुतेस दिकंग मितमसौ ग्राम शुभो नाम भात। यानी आपकी राशि से अगर 9, 5, 11 और 10 आता है, कहाँ की राशि, जहां आप बसने जा रहे हो, जैसे आप जहां भी जो भी क्षेत्र, जैसे आप दशाश्वमेध, गोदौलिया या आप कहीं कोई भी जगह, है ना, मैमूरगंज, सिगरा, कोई भी जगह है, तो उसकी जो राशि, जैसे सिगरा की जो राशि है वह आपकी राशि के अकॉर्डिंगली कितना सूट करती है, 2, 9, 5, 11, 10 आता है तो ज़्यादा शुभ होता है। इसी तरह से उसमें एक और विचार है, कई काकड़ी में कई विचार हैं, कई श्लोक हैं, जैसे अर्थ का विचार करते हैं कि ठीक है, यहाँ शुभता तो होगी,
यहाँ हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग नहीं होगा, यहाँ हम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बट क्या हमें अर्थ लाभ मिलेगा यहाँ से, धन उपार्जन हम यहाँ से कर पाएंगे कि नहीं? जैसे आप कहीं व्यवसाय करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें व्यवसाय तो करने जा रहे हो तो वहाँ पे सबसे ज्यादा पहला उद्देश्य आपका होता है कि नहीं वहाँ पे हम कितना अर्न करते हैं, तो उसके लिए हम अर्थ का विचार करते हैं। अर्थ का विचार भी काकड़ी के हिसाब से होता है, उसका श्लोक भी है, स्वयं वर्गंग द्विगणंग विधाय पर वर्गाढ़ गजई शोषितम। यानी अगर आप अपने वर्ग, जैसे आप वंदना हो तो वंदना य र ल व य वर्ग है आपका, इसी तरह से अ क च ट प त प य स आठ वर्ग हैं, इन वर्गों के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। अच्छा। जो मैंने अभी श्लोक बताया जी जी। उसके हिसाब से, चूंकि मैथ का सब्जेक्ट है वो किसी वास्तुविद से या किसी कंसल्टेंट से मिलकर कराना ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, उसमें यह देखा जाता है कि कैलकुलेशन के माध्यम से कौन सी जगह आपको सूट करेगी, है ना, उसमें एक विशेष मैथमेटिक है, अगर उसके हिसाब से अगर आपको उसमें कम मार्क्स मिलते हैं तो आप वहाँ उल्टा पैसा खर्च करके आते हो, जगह आपको बिल्कुल सूट नहीं करती है, उसमें अगर ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो वो आपको लाभ देता है, ठीक है। तो काकड़ी का बहुत महत्व है और मैं चाहूँगा कि जो भी आपके दर्शक हैं फुल वॉल्यूम के, वो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कहीं नया घर या नया व्यवसाय स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वह काकड़ी विचार का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इससे ही सारा कुछ जुड़ा होता है। मैं तो कहूंगा कि वास्तु की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी कि वास्तु के हिसाब से किस राशि को कौन सी दिशा सूट करती है? राइट, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, जैसे आप की जो भी राशि है जी, दिशा का मतलब होता है कि आपका द्वार किधर है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वास्तु में द्वार का बड़ा महत्व है जी। और मैं बता दूं आपको कि कभी कभी लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा शुभ नहीं होती है या दक्षिण दिशा का द्वार शुभ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द्वार में आपने दक्षिण दिशा में द्वार कहाँ पे, उसका प्लेसमेंट कहाँ पे किया है, इसका बहुत महत्व है। पूरब दिशा में भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप द्वार लगाओगे और आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा, और उत्तर दिशा में भी ऐसा है जिसको पूर्व उत्तर बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन पूर्व और उत्तर दिशा की हर द्वार बहुत अच्छी नहीं होती। हाँ, यह जरूर है कि दक्षिण दिशा में एक जगह ऐसा है जो यम की जगह है, जो तकरीबन मध्य स्थान है दक्षिण का, वह सबसे खराब मानते हैं, वहाँ पर मृत्यु का आशंका होता है। तो इसलिए वो चलो ठीक है कि दक्षिण ज़्यादा इंजुरियस हो सकता है आपके लिए, ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, बट कोई भी दिशा आपके लिए बुरा और कोई भी दिशा आपके लिए अच्छी हो सकती है। दक्षिण दिशा में भी आप जस्ट यम के जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में, अगर मध्य से आप लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो गृहछत का स्थान है, वहाँ पे अगर कोई द्वार लगाता है तो बड़ा शुभ होता है। इसी तरह से पूरब दिशा में भी सूर्य के लेफ्ट साइड में, सूर्य से ईशान की तरफ जब बढ़ेंगे तो जो चतुष्पथ षष्ठी चक्र का मैं बताऊँ तो शुरू में सिखी हैं, पर्जन्य हैं, जयंत हैं, इंद्र हैं, फिर सूर्य हैं। तो जो जयंत और इंद्र की जगह है, यानी सूर्य से लेफ्ट साइड, यानी मिड सेंटर से लेफ्ट साइड में अगर आप जाते हो तो वह बड़ा शुभ जगह होता है। अगर आप इंद्र की जगह पे द्वार स्थापन करते हो या सूर्य की जगह पे करते हो, ऐसे ही पश्चिम वरुण की दिशा मानी गई है, तो वरुण के तरफ अगर आप द्वार स्थापन करते हो तो वरुण से आप लेफ्ट साइड जब चलोगे तो वहां पे कुसुम दंत की जगह है, वो बहुत शुभ मानी गई है। उत्तर की दिशा में द्वार थोड़ी ज्यादा एरिया मिलती है हम लोगों को, चूंकि वहां पे तीन ऐसे पार्ट्स हैं, कुबेर, सोम, भल्लाड, जो वहाँ पे यहाँ पे हम द्वार स्थापन कर सकते हैं, जो मध्य से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं। एग्जैक्टली मध्य में कुबेर का स्थान है, उसके बाद सोम और भल्लाड का जो स्थान है चतुष्षष्ठी चक्र में, तो वहाँ से जब लेफ्ट आप जाते हो यानी वायव्य की तरफ, तो वो जगह बहुत शुभ होती है, वहाँ पे द्वार स्थापन करना चाहिए। अब आपने क्वेश्चन किया था कि राशियों के हिसाब से, इसमें यह है कि कुछ द्वार जैसे दक्षिण दिशा वैश्य वर्ण के राशियों के लिए बहुत शुभ है। अच्छा। वर्ण मतलब ऐसा नहीं कि वैश्य जाति के लोगों के लिए, वर्ण राशियों का वर्ण होता है जी। जैसे पूरब दिशा हमेशा ब्राह्मण वर्ण के राशियों के लिए बहुत शुभ माना गया है, दक्षिण दिशा जो है वैश्य वर्ण के लिए, पश्चिम दिशा शूद्र वर्ण के लिए, और उत्तर दिशा क्षत्रिय वर्ण के लिए। मैं बता दूं शूद्र वर्ण से मतलब शूद्र का नहीं है, जैसे शूद्र वर्ण में हमारे वहां नाम के हिसाब से जो आपका वर्ण राशि होगा, जैसे मिथुन, तुला और कुंभ, ये शुद्ध वर्ण राशियां हैं, इन लोगों के लिए पश्चिम दिशा का दरवाजा बहुत सूट करेगा। वैसे ही दक्षिण दिशा, तो आप इसको कैटेगराइज करना है तो राशियों को आप दक्षिणावर्ती क्रम में लिख लें, जैसे मेष पूरब का हो गया, दक्षिण का हो गया, मिथुन उत्तर का हो गया, इसी क्रम में आप जी जी। आगे कर्क उत्तर हो गया, अगेन फिर पूरब का नंबर आएगा, दक्षिण का नंबर आएगा, इस तरह से आप कैटेगराइज करके आराम से वर्ण जान सकते हो कि कौन सी राशियों का कौन सा वर्ण है, और उसके हिसाब से आप द्वार स्थापन करें और उस दिशा को फॉलो करें, उस दिशा में जिसमें आपका जो आपके लिए लाभकारी है। अगर आप मकान बनवाते हो या उस दिशा की शॉप लेते हो या कुछ भी
तो बहुत ही फायदेमंद होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वास्तु में देखा गया है ईशान कोण का बहुत महत्व होता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईशान बहुत सेंसिटिव प्लेस होता है वास्तु में, ऐसा कहा गया है, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर वहाँ पे, सिर वहीं पे होता है, ईशान में ही होता है, तो उसको मर्म स्थान भी कहा गया है। दूसरा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले चतुष्षष्ठी चक्र के बारे में बताया, जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं का निवास होता है, तो ईशान में जो पूरब दिशा का पहला स्थान है, जो ईशान कहते हैं जिसे, वह सिखी का स्थान है। सिखी का मतलब शंकर। अच्छा। तो भगवान शंकर का स्थान है, वहाँ पे कभी शौचालय जैसी चीज़ों का निर्माण नहीं करना चाहिए, और चूंकि वास्तु पुरुष का सर है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे बहुत हैवीनेस नहीं होनी चाहिए, जैसे सीढ़ी इत्यादि का निर्माण या बहुत सारा क्लटर जैसे घर का सामान वहाँ पे नहीं होना चाहिए। वहाँ पे पूजा का स्थान, जल का स्थान इसीलिए बताया गया है। और दूसरी बात ये कि हमेशा उसको हल्का रखना चाहिए, जिससे भाई सर है तो एक मर्म स्थान हुआ, और उसको जितना आप हल्का रखोगे उतना ही सुख फल मिलेगा। ईशान खराब होने का मतलब कि वास्तु पुरुष का जहाँ सिर है वहीं पे दुर्व्यवहार हो रहा है, या भगवान शंकर का जो स्थान है वहाँ पे कुछ खराब हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ईश्वरीय फल का लाभ नहीं मिलेगा और कुछ खराब हो सकता है और खराब होता भी है। डॉक्टर साहब, स्टूडेंट वास्तु के मुताबिक स्टूडेंट्स का स्टडी रूम कैसा होना चाहिए? राइट, इट्स अ वेरी राइट क्वेश्चन। चूंकि देश के भविष्य है हमारे स्टूडेंट, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, स्टूडेंट्स का जो रूम होना चाहिए वो पूरब या उत्तर में हो या ईशान में हो, उत्तर साइड ईशान से सटा हुआ हो या ईशान से सटा हुआ पूरब साइड हो सकता है। देखना यह है कि आपका जो बैठने का तरीका है वो कैसा है, पढ़ाई करते समय पीछे वाल होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के बिल्कुल सामने वाल नहीं होना चाहिए, एकदम आपका टेबल बिल्कुल वाल से स्टिक नहीं होना चाहिए। अच्छा। इससे क्या होता है कि फ्रेश आइडियाज़ नहीं आती हैं। दूसरी बात, पढ़ते समय हमेशा फेस या तो पूरब की दिशा में हो, या तो उत्तर की दिशा में हो, या तो ईशान में हो, कभी पश्चिम दक्षिण ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि घर जिस समय बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, बच्चे के सामने कोई शीशा तो नहीं है, अगर बच्चे के सामने कोई मिरर है तो वो क्या करता है कि वर्कलोड को डबल कर देता है। अच्छा। ठीक है, तो वो बड़ा खराब रिफ्लेक्शन होता है, जिस तरह से बेडरूम में शीशा वर्जित है उसी तरह से इसमें भी बहुत दोषपूर्ण होता है, कि कोशिश करना चाहिए कि बच्चे के कमरे में कोई शीशा इत्यादि ना हो, और बच्चों को जो टेबल है बच्चे का उस पर बुक्स का बहुत क्लटर ना हो। इससे क्या होता है कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, उनके पास 10 सब्जेक्ट का विषय, 10 विषय है, उसमें 5 सब्जेक्ट का बुक रखा हुआ है, और उसमें से क्या होता है बच्चा एक चीज पढ़ रहा है, दूसरे पे उसका अननेसेसरी ध्यान जाएगा कि मैंने वो चीज कंप्लीट नहीं किया, तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज होगा और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वीक हो जाएगा। इसलिए हमेशा इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, बच्चा के सामने हमेशा खुला हुआ एरिया होना चाहिए, बच्चे का फेस पूरब और उत्तर की दिशा में होनी चाहिए, और शीशा नहीं होना चाहिए सामने, एटमॉस्फेयर ठीक होना चाहिए, बहुत शोरगुल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और वास्तु के बारे में इतनी सारी कुछ चीजें बताई हमें, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा आज का बेहद ही खास प्रोग्राम तकदीर। अगर इस शो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं fullvolume@in.com पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और खास विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।